हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन से उत्पन्न हुई अप्राकृत प्रतिध्वनि हमारी अप्राकृत चेतना को जागने के लिए अत्युत्कृष्ट विधि है। जीवात्मा के रूप से हम सभी कृष्णा भावनाश्रित है, परंतु अनादि काल से जड़ पदार्थ की संपर्क में रहने का कारण हमारी चेतना भौतिक वातावरण द्वारा अशुद्ध हो गई है। इस भौतिक वातावरण को माया कहते हैं। माया का अर्थ है वो जो नहीं है। अब हमें देखना है कि ये माया किस प्रकार की है। माया ये है कि हम सभी भौतिक प्रकृति पर स्थापित करना चाहते हैं जबकि वास्तव में हम सभी अपूर्व रूप से उसके कठोर नियम की जकड़ में है। जब एक नौकर अपने सर्वशक्तिमान स्वामी को नकल करना चाहता है तो ये माया का प्रभाव है। इस भौतिक प्रति के भंडार का उपयोग करने के लिए सतत समशील है, परंतु वास्तव में हम उसकी जटिलता में अधिक से अधिक आबद्ध होते चले जा रहे हैं। कृष्णा भावना मस्तिष्क पर बनावटी दबाव नहीं है। ये चेतनता, ये भावना जीवात्मा की स्वाभाविक प्रारंभिक शक्ति है। जब इस मंत्र के कीर्तन से उत्पन्न अप्राकृत प्रतिध्वनि को सुनते हैं तो हमारी ये चेतनता सुप्तावस्था छोड़कर जगती है। कलिजुग के लिए ध्यानी ध्यान की ये सरलतम विधि है, फलदायक मानी गई है। अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी कोई जान सकता है कि महामंत्र के कीर्तन से आध्यात्मिक स्तर से अति हुई अप्राकृत भावनात्मक की अनुभूति होती है। आरंभ में सभी प्रकार की अप्राकृत भावनात्मक की स्थिति नहीं हो सकती है। भगवान के शब्द शुद्ध भक्त द्वारा गया, भगवान की शुद्ध भक्त द्वारा गया जाता है तो सुनने वाली पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। अतः तात्कालिक परिणाम के लिए इसे प्रभु के पवित्र भक्त से सुनना चाहिए। जो भगवान के भक्त नहीं है उनके मुख से कीर्तन नहीं सुनना चाहिए। दूध जैसे जहरील सर्प छू दिया है तो विषैला हो जाता है। शब्द हरा द्वारा प्रभु की शक्ति को संबंधित किया जाता है। कृष्णा एवं राम शब्द से स्वयं प्रभु को संबंधित किया जाता है। कृष्णा एवं राम परम आनंद है और हरा प्रभु की परम आनंदमय शक्ति है। प्रभु की ये आनंदमय शक्ति हमें उनके पास ले जाने में सहायक होती है। भौतिक शक्ति माया भी प्रभु की विविध शक्तियों में से एक है। हम जीवधारी भी प्रभु की तटस्था शक्ति है। जीवात्मा भौतिक शक्ति से विशिष्ट होते हैं। पराशक्ति का अपराशक्ति से संपर्क निरुद्ध परिस्थिति उत्पन्न करता है, परंतु पराशक्ति का तथा तटस्था शक्ति का संयोग प्रसन्नतापूर्ण सामान्य परिस्थिति उत्पन्न करता है। हरा कृष्णा स्वयं राम ये तीन शब्द महामंत्र के अप्राकृत बीज मंत्र है। कीर्तन प्रभु तथा उनकी शक्ति और बद्ध आत्मा की हरा कृष्णा एवं राम ये तीन शब्द महामंत्र के अप्राकृत बीज मंत्र है। कीर्तन प्रभु तथा उनकी शक्ति को बद्ध आत्मा की रक्षा करने के लिए एक आध्यात्मिक पुकार है। कीर्तन उस बच्चे को रोदन जैसा है जो अपनी माँ की उपस्थिति चाहता है। माता हर भक्तों को पिता भगवान के पास ले जाती है और तब प्रभु श्रद्धा एवं विश्वास के साथ कीर्तन करने वाले भक्त को सम्मुख स्वयं उपस्थित होते हैं।